राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तीनों लोकों में न्यारा है मेरा संसदीय क्षेत्र मथुरा। कृष्ण की नगरी में हर चीज़ लोगों को आकर्षित करता है। जो एक बार आता है वो बार बार यहाँ आना चाहता है। मैं भी कहीं पर भी जाऊँ, मेरा मन हमेशा वृंदावन की ओर ही रहता है। ब्रज में राधा कृष्ण की लीलाओं और मंदिरों का आकर्षण तो है ही, लेकिन यहाँ का खान पीन भी उतना ही आकर्षण है। आपने मथुरा के पेड़े के बारे में तो सुना होगा, ये तो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। इसकी भीनी भीनी खुशबू और इसका विशेष स्वाद सबका मन मोह लेता है। ये पेड़ा ब्रज की गायों की दूध से तैयार होता है, जिससे हजारों गोपालकों का फायदा होता है। आज आत्मनिर्भर भारत और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी प्राथमिकता है। तो आइए दूरदर्शन के माध्यम से ये जानिए कि मथुरा का पेड़ा कैसे बनाया जाता है। मथुरा की तीन लोकों से न्यारी होने की प्रसिद्धि के समान प्रसिद्ध हैं मथुरा के पेड़े। भीनी भीनी सुगंध और रूप स्वरूप के कारण मन मोह लेते हैं मथुरा के पेड़े। मथुरा मिठाइयों की नगरी है। यहाँ मिठाइयाँ तो बहुत सी हैं, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, बालूशाही, इमरती, चमचम, खीर मोहन और भी न जाने कितनी कितनी। पेड़ा सर्वधर्म सर्ववर्ग और दलों की दलदल से ऊपर उठकर झोपड़ी से लेकर राजभवन तक लोकप्रिय है। और अन्य मिठाइयों की तुलना में पेड़ों की पताका अधिक कीर्ति के साथ फहराती रही है। मथुरा के जाने माने पत्रकार साहित्यकार पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से जानते हैं पेड़े की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई हलवाई था, पुराने समय में ये बिजली की तड़क भड़क तो होती नहीं थी, कुप्पे जलते रहते थे और वो अपनी दुकान पे सामान बेचते थे। तो ये बताया जाता है कि एक हलवाई रात को दुकान अपनी बैठा हुआ था, उसको नींद आने लगी और वो खोआ भून रहा था कढ़ाई में। उसका एक हाथ चल जाता था इस तरह से खोआ बनाने के लिए, और फिर जब उसको नींद सी आ गई तो वो खोआ जो है भुनता रहा, भुनते रहते रहते वो बादामी रंग का हो गया। जब उसकी आँख खुली, थोड़ी सी चेतना जागृत हुई, तो उसने तो देखा कि खोए की जगह कुछ और बन गया है। अब समस्या थी कि इसका क्या किया जाए। तो उसने सुबह उसमें बूरा डाला, इलायची डाली और फिर छोटी छोटी लोई उसकी बनाई, और जब लोगों को खिलाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। एक हलवाई ने बताया था कि लोई को हम पेड़ा कहते हैं, तो उसका नामकरण पेड़ा हो गया। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष जोर स्वदेशी गृह उद्योगों को बढ़ावा देना है, मथुरा का पेड़ा उद्योग भी एक बड़ा दुग्ध उत्पादक गृह उद्योग है। पेड़ा बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी ही विस्तृत व मेहनत वाली है। तो आइए जानते हैं पेड़े कैसे बनते हैं। ग्रामीण पशुपालकों द्वारा दूध को डेयरी तक पहुंचाया जाता है। डेयरी पर दूध की गुणवत्ता की जांच कर पेड़ा बनाने वालों तक पहुंचाया जाता है। कंटेनरों से दूध निकालकर
दूध को बड़ी बड़ी कड़ाही में उबाला जाता है। दूध उबलने के बाद बनाया जाता है खोआ। दूध को कढ़ाई में धीमी आंच पर गाढ़ा किया जाता है, तब बनता है खोआ। पेड़ा बनाने की एक खास विधि होती है, बता रहे हैं शहर के प्रमुख पेड़ा व्यवसायी रवि अग्रवाल। मेरा नाम रवि अग्रवाल है, मैं ब्रजवासी परिवार से हूं। मैं आपको आज बताऊंगा दूरदर्शन के माध्यम से कि पेड़ा कैसे बनता है। इस तरफ हम पेड़ा लेते हैं, खोआ लेते हैं 20-20 किलो, उसको इधर की तरफ भट्टियों में डालते हैं, कढ़ाइयों में 20-20 किलो मावा है, इसको हम 45 मिनट तक भुनेंगे। इसका भूनते हुए इसका कलर ब्राउन होगा, फिर उसको हम ब्राउन हो जाएगा तो उसको ठंडा करने के लिए ये बड़े बड़े जो तस्त पे हैं, ट्रे हैं, इसमें हम इसको डालेंगे। आधा घंटे ठंडा होने के बाद इसमें 3 किलो बूरा और 150 ग्राम इलायची इसमें ऐड करेंगे। ऐड करके इसको हम सामने प्रोसेस में लेंगे, लोई बनाएंगे पहले, और उसको फिर छोटे छोटे पेड़े के रूप में इसको हम बनाएंगे। इस पेड़े की ड्यूरेबिलिटी हमारी 7 से 10 दिन तक की है। एक पक्की का पेड़ा और हमारे यहाँ बनता है जिसकी सेल्फ लाइफ 1 से 1.5 महीने होती है। मथुरा जो भी परिवार दर्शन के लिए आता है, बिहारी जी करने आए या जमुना जी करने आए, हर व्यक्ति मथुरा से प्रसाद के और उपहार के स्वरूप पेड़ा जरूर लेके जाता है, और प्रसाद और गिफ्ट के रूप में अपने इष्ट मित्रों को और परिवारों को वो पेड़ा भेंट करता है। लीजिए तैयार है स्वादिष्ट व सुगंधित पेड़ा। पेड़ा गर्मी के मौसम में 4 से 6 दिन और जाड़े के मौसम में 8-10 दिन तक खराब नहीं होता। एक और प्रकार का पेड़ा भी बनाया जाता है जिसे पक्की चाशनी का पेड़ा कहा जाता है। पक्की चाशनी का पेड़ा इतना अधिक भुना जाता है कि उसमें तरलता के सभी अंश नष्ट हो जाते हैं। ये पेड़ा कई कई महीनों तक खराब नहीं होता और इसे दूरस्थ प्रदेशों तथा विदेशों तक ले जाया जा सकता है। पेड़ा बनने के बाद विभिन्न आकारों में सचकर पहुंच जाता है दुकानों पर बिकने के लिए। दुकान पर पेड़ा पहुंचते ही लग जाती है खरीदारों की भीड़। खाने पीने की कोई अन्य मिठाई तो अधिक समय बाद बिगड़ जाती, इसीलिए जब भुने हुए खोई की ऐसी मिठाई प्रकाश में आ गई जो प्रसाद के रूप में उपयोग की जा सकती थी और भौतिक रूप से स्वादिष्ट होने का गुण भी इसमें था, तो उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से श्रेष्ठ मान लिया गया और प्रसाद के रूप में पेड़े को भी मान्यता प्राप्त हो गई। इस प्रकार पेड़ा श्रद्धास्पद होकर लोकप्रिय होता गया। प्रसाद के रूप में पेड़ों का सर्वाधिक महत्व होने के कारण मथुरा के सभी दर्शनीय स्थलों के समीप पेड़ा विक्रेताओं की दुकानें भरपूर मात्रा में हैं। तो आइए हम भी नजारा लेते हैं पेड़ों से सजी हुई दुकानों का और बात करते हैं दुकानदारों से और खरीदारों से। चार गांव निज धाम, वृंदावन और मथुरा।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम अक्षत गुसाई है। हमारी जो जितने भी पेड़ा है, जितना भी सामग्री है, वो गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और आपके साउथ इंडिया जितने भी है, और इतना ही नहीं, अब चूंकि हम ये जानते हैं कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो फॉरेन भी अब सेटल होने लगे हैं, वो दुबई, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, इन सब कंट्रीज़ में भी उन लोगों ने अपने आप को सेटल किया है। तो हमारा पेड़ा उन लोगों के पास भी जाता है, हमारी जो दुकान की मिठास है, जो हमारी मिट्टी की मिठास है, वो उन तक भी पहुँचती है। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब भी हमारी मिठाई कहीं पर भी जाती है, लोगों के मन को खुश करती है या लोगों के स्वाद को निखारती है, तो हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, पेड़े की शॉप है, 90 साल पुरानी दुकान है मेरी। ये पक्का पेड़ा है, ये कच्चा पेड़ा है, मलाई लड्डू है, लौजा बर्फी है, मेवावटी है, दूध आता है, गाँव से दूध आता है, दूध का मावा बनता है, मावा से पेड़ा बनता है। पेड़ा यहाँ का जो 20 दिन ख़राब नहीं होता है, पेड़ा यहाँ का 2 महीने ख़राब नहीं होता है। इसमें लौंग इलायची डलती है, इसमें इलायची डलती है। ये पेड़ा बॉम्बे, गुजरात, विदेशों में जाता है, ये पेड़ा लोकल चलता है, ये पेड़ा 20 दिन ख़राब नहीं होता है। ये हम लोग तो बचपन ही यहाँ मिठाई खाते हुए बड़े हुए हैं, और यहाँ की मिठाइयाँ मतलब हम जहाँ भी लेके जाते हैं वहाँ इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि हर बार उनकी डिमांड आती है। जिसको एक बार यहाँ का पेड़ा खा ले या कोई भी मिठाई एक्स्ट्रा हम लेके जाए तो उसके लिए हमेशा डिमांड रहती है। मुक्ति कही गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए लला जी, मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, ब्रज उड़ रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए यही ब्रज धाम है। विश्व को प्राण है यही ब्रज धाम है, विश्व को प्राण है। मेरा नाम भगवान सिंह है। गाँव से दूध खरीद करके नैया वो हमारे यहाँ आता है, जो कि भैंस और गाय का दूध होता है, और भैंस और गाय के दूध का खोवा करके और फिर हम जो है भूनते हैं उसे, चीनी डाल करके नैया, और उसके बाद ठंडा जब हो जाता है तो उसमें इलायची मिलाते हैं, और इलायची मिला करके हम पेड़ा बनवाते हैं। हाँ, देश विदेश के यात्री काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं और प्रसाद के रूप में पेड़ा ले जाते हैं यहाँ से। मैं हरे कृष्णानी, मेरे ताऊजी द्वारा, पिताजी द्वारा ये कारोबार 40 साल से किया जा रहा है। आसपास के गांव से, आसपास के दूधियाएँ दूध मंगाते हैं, गाय का पेड़ा बनाते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, दूर दूर से फेमस है पेड़ा। मरम न जाने कोई लला जी, मरम न जाने कोई। दार दार और पात पात पे राधे राधे हो, यही ब्रज धाम है, विश्व को प्राण है यही ब्रज धाम है, विश्व को प्राण। परंपरागत रूप से संलग्न व्यवसाय में अब युवा उद्यमी भी हाथ बढ़ा रहे हैं। आजकल मेरा ये मानना है कि हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि आजकल दूध से पेड़ा बन रहा है, दूध से खोआ बन रहा है, खोआ से पेड़ा बन रहा है, फिर अब लीजिए आलू से चिप्स बन रहे हैं, नमकीनें बन रही हैं। तो अलग अलग इन सब चीज़ों को हम लोग जितना फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे उतना ही हिंदुस्तान में भी और लोग बनाएंगे चीज़ें, जो कि फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरा मानना है जो कि कभी इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकती अगर आप क्वालिटी अपनी मेंटेन कर रहे हैं। तो पिछले 180 सालों से मथुरा की पहचान कहे जाने वाले पेड़ों को हमारा परिवार आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बना रहा है। हम सब यही कामना करेंगे कि हम इसी प्रकार आप सबके लिए, आप सबकी सेवा करते रहें, हम ठाकुर जी के लिए ऐसे ही प्रसादी मिठाई बनाते रहें। अभी आपने मथुरा का पेड़ा कैसा बनाया जाता है ये देखा,
इतना ही नहीं, मथुरा का पेड़ा आज कवियों के कविताओं में और सिंगर्स के सिंगिंग में भी स्थान बना चुका है। मथुरा के पेड़ों में साहित्य, संस्कृति और राजनीति का अनूठा समन्वय हुआ है। कहे पीड़ा एक अनेकन में, किनका किनका बट जावेगो, सब माथे धर स्वीकार करें, आदर सत्कार करावेगो। हे पीड़ा एक अनेकन में, किनका किनका बट जावेगो, सब माथे धर स्वीकार करें, आदर सत्कार करावेगो। जो काम बने ना पैसंते, जो काम बने ना पैसंते,
पेड़ा प्रसाद बनावेगो, ओ ब्रजवासिन की महिमा ऐसी, पेड़ा ही मान बढ़ावेगो। और जाको अंतिम छंद है के सब और मिठाई फीकी है, सब और मिठाई फीकी है, पीड़ा की मेहमा न्यारी है, जैसे ब्रज की सब सखियन में सुंदर बरसाने वारी है, जैसे ब्रज की सब सखियन में सुंदर बरसाने वारी है। पेड़ा बिन भोग अधूरो है, पेड़ा बिन भोग अधूरो है, खुश है जा में गिरधारी है, और दुनिया के सिगरे देशन में पेड़ा पहचान हमारी है। ब्रजभाषा काव्य में भी पेड़े का यशोगान किया गया है। गोस्वामी माधव राय जी की पेड़े के संबंध में ये पंक्तियां उस समय की हैं जबकि पेड़े का भाव 6 रुपए सेर था। मथुरा में पेड़ा मिले 6 रुपया सेर, यमुना जी के भोग दर धरित लगाबो धर न लगाबो देर, ना लगाबो देर पेट में मुसे डूले, भूखो रहो न जाए निठल्ले घाटन पे डूले, जो दाता दे जाए पार है जाबे बेड़ा, और कच्चे पत के दो ही प्रकार मथुरा के पेड़ा। ब्रज रज का एक एक कण अलौकिक है, यहाँ प्रेम और भक्ति की धारा का अद्भुत संगम है। आप जब भी मथुरा आए इनका दर्शन जरूर करें और मथुरा के पेड़े को भी जरूर चखें। जय श्री कृष्णा।